हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक टॉप 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिससे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पूर्ण रूप से हल कर लिए थे, आज प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को एक ही क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आप लोगों का टाइम नुकसान न करते हुए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती होती हैं या जो स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती वो आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करेंगे, रफली ऐसे एक तरफ समझिएगा 140 को लिखिएगा और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 0 = 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 3 = 6, 1 = 2 × 5 = 10, फिर 2 × 3 कैंसिल नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 से न डिवाइड करते हुए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 × 7 = 35, 7 का डिवाइड कर देंगे 1 आ गए। तो हमको ये पता चल गया कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 2 × 5। इनमें देख रहे होंगे ये 2, ये 5, ये 7, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्वयं से कट सकती हैं, कोई दूसरी संख्याएं इनको काट नहीं सकती। तो इनको लिखा जा सकता है 1 × 2 × 5 × 7, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 156 को भी हम लोग ऐसे रफ में लिखते हैं, फिर 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 16, फिर 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 9 = 18, फिर 3 से कटाओगे तो 13 × 3 = 39, फिर 13 से कटा दिए कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13, तो कितने हो गए, 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 13। आप देखिए क्या इनमें से तीनों संख्याएं कोई दूसरी संख्या काट सकती है, नहीं, तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तीसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 38 × 25, तो इसको हम लोग रफली में इधर लिखते हैं 38 × 25। जब लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़े, लास्ट में जब 5 दिखाई पड़ जाए तो आप उनको या तो 3 से डिवाइड किया करें या तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में दी गई संख्याएं अगर 5 होती हैं तो वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होता। तो आइए चेक करते हैं, 3 से तो 3 × 1 = 3 कैंसिल हुआ, आगे 8 है तो 3 × 2 = 6 + 2, आगे हो गए 22, 3 × 7 = 21 + 1, आगे 3 × 5 = 15, फिर 3 से कटाइएगा तो 3 × 4 = 12 कट गए, फिर यहाँ 3 × 2 = 6 + 1 = 3 × 5 = 15, फिर 3 से कटाइए क्या करते हैं तो 3 × 1 = 3, फिर 3 × 4 = 12, तो 3 से अब नहीं कटेंगे, अब किससे कटाएंगे, 5 से, तो 5 × 8 = 40 + 2, 5 × 5 = 25, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 5 से कटाओगे तो 17 × 5 = 85, और फिर 17 से कटा दोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 38 × 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 दो बार आया है, 5 भी दो बार आए हैं, 17, तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसी और आगे के जो सवाल हैं वो आप लोग लगा लीजिएगा, अगर न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल आप लोगों का क्या कह रहा है उसको देखते हैं जरा सा। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के SCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, SCF और LCM ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे क्या होता है,
एलसीएम होता है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला सवाल लिखते हैं, दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91 क्या है, 26 और 91 इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा सवाल है 510 और क्या है 92 है, और 92 ध्यान से समझिएगा, 510 और क्या है 92। ये क्या कह रहे हैं कि आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ साथ में आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 26 और 91 का क्या निकाल लेते हैं, लसा निकाल लेते हैं। तो 26 और 91 का लसा पर निकालोगे कैसे, ये आप रफली में करिएगा क्योंकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाने हैं। तो 26 और यहाँ क्या लिख लेंगे, 26 और 91 का लसप तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 13 से कैंसिल कर दोगे तो 1 आ गए, फिर इनको करोगे तो 7 में 91 13 से कर दिए 1 आ गए। तो आपको ये बात पता हो गया कि 26 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 26 को क्या लिखा सक, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, या इतना न लिखने आए तो आप केवल इतना लिखिएगा कि 26 बराबर 2 × 13 और 91 बराबर 7 × 13। तो जो एचसीएफ होता है, जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किसके, 26 और 91 को। तो ध्यान से समझिएगा, एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम जो हो जाएगा, जो दोनों में होते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, ध्यान समझिएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो एक बार लिख दिए जाते हैं, और जो उभयनिष्ठ नहीं होते उनको भी ले लिए जाते हैं। तो क्या हो गए, 13 × 26 और गुणे क्या हो गया 7, 7 × 42, 7 × 14, 4 क्या हो गए 18, यानी इनके एलसीएम कितने आ गए भैया, 182 आ गए। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि 26 को हम लोग 2 × 13 यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, 91 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। अब लसप क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो भी एक बार लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं होते उनको भी लिख दिए जाते हैं। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे वही क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे, यानी इनके एचसीएफ क्या आ गए, 13 आ गए। अब आप ध्यान से समझिएगा, जांच करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए कहा है भैया, जांच करने के लिए कहा है, क्या कहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM दी गई संख्याओं का। तो देखिए दोनों संख्या क्या है, 26 और 91 है, क्या है भैया, 26 और 91, और HCF गुणे LCM, HCF कितना आया है 13 है, और LCM कितना है 182। तो गुणा करोगे तो 13 × 26, 13 × 8 = 104, और 104 × 2 = 106, यहाँ 10 हासिल हो जाएंगे, 13 × 13, 13 × 10 = 23। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2366, और इनका भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2366 आ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग 510 का क्या करते हैं, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो 510 को आप क्या लिख सकते हो, तो समस्या आती है कि हम लोग 510 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करें। तो मैंने आपको रफली वर्क में बताया क्या आप करोगे, सबसे पहले आप 510 को ऐसे कर लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो क्या करोगे, 2 × 4 एक बचा, फिर 2 × 5 = 10, फिर आपके क्या बच गए, हाँ 1 बच गए, फिर 2 × 5 = 10। अब क्या करोगे आप, 5 से भाग दीजिए, तो क्या देखिए 5 से ये कटते हैं, या 3 से पहले चेक कर लीजिए, तो 3 × 7 = 3, 8 × 3 = 24, 1 बचा, 3 × 5 = 15, फिर क्या कटाइए, 3 से कटाइए तो 3 से नहीं कटेंगे बल्कि 5 से कटाओगे तो 17 आ जाएंगे, 17 से कटाओगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग 92 को भी निकाल लीजिए, तो 92 को कटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, पहले 2 से कटाइए तो 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 12, ध्यान से समझिएगा, 2 × 4 = 8, 1 बचा, 2 × 4 = 12, फिर कटाओगे तो 23 आ गए,
फिर 23 से कटा दोगे तो एक आ जाएंगे। तो रफली हमको पता चल गया कि 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × क्या है 17 है, और जो 92 है 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 2 × 23। अब काम खत्म हो जाने के बाद आप इनको मिटा देंगे, जो रफ वर्क थे वो आपके समाप्त हो गए। अब देखिएगा क्या निकालना है, SCF निकालना है, क्या निकालना है SCF, किसके SCF निकालने हैं 510 और 92 के। तो चलिए मैंने बताया था SCF वो होता है जो दोनों में क्या होते हैं कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं दोनों में तो और कुछ आपको कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी इनका SCF क्या हो गया 2 हो गया। अब बात आती है LCM की, LCM की, LCM 510 और 92 का LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो भी लिखा जाएगा, जो दोनों में नहीं होंगे वो भी। तो देखिए इसमें 2 है और क्या है भैया 23 है, और क्या है 3 है, 23 है, फिर क्या है भैया 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है 17 है। तो इनका आप लोग गुणा कर लोगे तो 2 दूनी कितने हो गए 4, 23 तेईया कर लोगे 69 और 17 25 85। तो भैया इनका गुणा करके आपका जो आंसर आएगा वो इनके क्या हो जाएंगे LCM हो जाएंगे। तो आप अगर इनका गुणा कीजिएगा तो क्या आते हैं ये देखिएगा, तो गुणा करोगे भैया तो 4 नवाई कितने हो गए 36, 4 छंग 24, 24 3 27, गुणे कितने आ गए 85। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा तो रफ में आप गुणा करिएगा तो 276 गुणे 85 करोगे 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितने हो गए 38 हो गए, 5 दूनी 10, 10 3 13, फिर 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 4 60 कहीं 0, 8 दूनी 16, 16 6 22 जोड़ दीजिए 8 8 16, 3 1 4, 2 1 3, फिर 2 कितने आ गए 23 460, क्या आ गए 23 460, इनका क्या आ गया LCM आ गया। अब क्या करना है जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, जांच में क्या दिखाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM, SCF गुणे LCM। तो SCF कितना है भैया, SCF आपका आया है 2 और LCM कितना आया है 23 460। गुणा कीजिए 2 जीरो में 0, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, और ये दोनों संख्या, दोनों संख्या क्या है भैया 510 गुणे कितना है 92, गुणा करोगे तो ये भी आ जाएंगे 46 920। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपके अगला सवाल जो तीसरा सवाल है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, अगर ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल है आप लोगों का इस प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल है उसके लिए एक फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले क्या होते हैं उस फार्मूला पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा। वो फार्मूला हम लिखते हैं, वो फार्मूले आपके क्या हैं, वो फार्मूला आपका है भैया कि जब आपको क्या दिया गया हो LCM पता हो, क्या पता हो LCM पता हो, या तो क्या पता हो SCF पता हो, तब के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, तब के लिए फार्मूला होता है LCM बराबर क्या हो जाएगा, जब आपको LCM ज्ञात करना होता है तो LCM बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या भैया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है, दोनों संख्याओं का HCF लिख देंगे HCF, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का। इस फार्मूले पर आपका पूरा तीसरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 12 15 51 क्या कह रहे हैं, सॉरी तीसरे सवाल अभी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में क्या कर रहे हैं निम्नलिखित पूर्णांकों का SCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है 12 15 21, पहला है 12 15 21। चलिए तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4 × 12, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 7,
अब चर्चा हुई कि SCF का, तो SCF किसका, 12, 15, 21। अभी हमने बताया था SCF वही होते हैं जो दोनों में, तीनों में, चारों, जितनी संख्याएं हो सब में क्या हो, कॉमन हो। तो जो सब में कॉमन होगा, तो सब में कॉमन कौन है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो सब में कॉमन एक संख्या है, एकमात्र संख्या है, वो कौन सी संख्या है, 3 है। तो SCF क्या हो गया इनका, 3 हो गया। और LCM, LCM क्या होता है, जो सब में होता है वो भी लिखे जाते हैं, जो सब में नहीं होते वो भी लिखे जाते हैं। तो 12, 15, 21 का LCM क्या हो जाएगा, 3 आपके एक बार हो जाएंगे, फिर 5 × 7 × 2 × 2, तो 5 × 15 × 7 × 4, तो 15 चौके कितने हो गए भैया, 60 × 7 बराबर कितने आ गए, 420। यानी इन संख्या का LCM 420 हो जाएगा और SCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी पार्ट में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 17, 23 और 29। दूसरा क्या है, 17, 23 और 29 का आपको क्या निकालना है, SCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है, SCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 × 1, 17 × 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 23 × 1 हो जाएगा। और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 29 × 1। अब हम इनका क्या निकालते हैं, SCF निकालते हैं। SCF किनका, 17, 23 और 29 का, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही SCF होते हैं। तो SCF क्या आ गया इनका, 1 आ गया। और LCM, तो LCM जो होता है, जो सब में हो वो होते हैं और जो ना हो वो भी होते हैं। तो 17, 23 और 29 का LCM तो क्या हो जाएंगे, 17 × 23 × 29 × 1 कर लोगे, तो इनका जो गुणा करोगे वही हो जाएंगे आंसर। तो 17 × 3 = 51 × 1, 17 × 2 = 34, 34 × 5 = 39, × 2 = 29 आ गए। तो आप इन दोनों का गुणा कर लोगे तो जो आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, इनके LCM आ जाएंगे, इनके आंसर आ जाएंगे। तो आपके जो इस क्रम में जो तीसरा सवाल है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पे। क्या है भैया, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल इस फार्मूले पे है जो अभी हमने लिखा था। चलिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि SCF कितना हो भैया, SCF 306 और 657 का SCF क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक। क्या दिया है, SCF 306 और 657 का क्या दिया है, 9 दिया है। चार नंबर सवाल है, क्या कर रहा है, SCF 300 क्या लिखा है, 306 और 657 का क्या दिया है, 9 दिया है। क्या दिया है, 9 दिया है। आगे कर रहा है आपको इनका क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM 306 और 657 का LCM। बोर्ड पेपर में ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है भैया, ये पूछा गया है कई बार। तो फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है भैया, LCM इन संख्याओं का, तो 306 और 657 का LCM क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन है भैया, 306 × क्या आ जाएगा, 657, और SCF दोनों संख्याओं का SCF, तो दोनों संख्याओं का SCF कितना है, 9 है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ काटा जा सकता है, 3 × 30 और 3 × 6, 3 × 9 हो गए। अब ये 3 से काटिए इनको, 3 × 6, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, यानी 102 × 219। तो जो गुणा कर दोगे वो इनके आंसर आ जाएंगे। तो आप लोग गुणा करके इनको लिख लेंगे तो ये आपके चौथे प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग लिखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, पांचवा प्रश्न क्या है,
जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n। संख्या क्या दी गई है भैया आपको, संख्या दी गई है 6 के पावर n, जहां n आपका क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो जहां n प्राकृतिक है तो प्राकृतिक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये हो सकता है। तो वो कह रहा है क्या ऐसी कोई संख्या होगी जब हम क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या यहाँ रख दे जहाँ हमको क्या 6 के अंत में 0 आ सकता है, क्या ऐसा कभी 60 या 600 या 6000 क्या ऐसा कोई अंक मिलेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं n बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 1 रखने पर संख्या क्या हो जाएगी, संख्या तो 6 के पावर n है तो 6 के पावर 1 बराबर 6, n के स्थान पर 1 रख दिए। दोबारा क्या रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या है भैया 6 के पावर n है और 6 के पावर 2, n के स्थान पे 2 रख रहे हैं ना, तो 6 छक्के कितना हो गया 36। और एक बार और देख लेते हैं n बराबर 3 रखने पर, तो जब n बराबर 3 रखोगे तब संख्या क्या होगी, संख्या होगी 6 के पावर n, तो 6 के पावर 3 बराबर 216। तथा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है कि जांच द्वारा यह पता चला है या समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो ये संख्या 6 के पावर n है वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या अंतिम में देखिए 0 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम में 6 को छोड़कर और कोई अंक आने वाला नहीं है किसी प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक, तो चलिए अगर आप नहीं लिख सकते हो तो फिर से बोल दे रहे हैं, समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट हो रहा है कि 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी चैप्टर का अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए, छठवां नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस क्या है भैया 13 है, प्लस क्या है 13, और ठीक अब इनको मिटा लेते हैं हम लोग इस फार्मूले को, और क्या कर रहा है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 ये है, ठीक सॉरी 3 × 1 प्लस क्या है भैया यहाँ 5 है, 5 फिर क्या कर रहा है भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक ये आपको जांच करना। तो भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य मैंने जैसे आपसे कहा, चलो हमने कहा 4 + 2 भाज्य है, तो 4 + 2 भाज्य हैं कैसे, देखिए अगर हमने इन दोनों में से कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ये 4 और 2 है इस 2 से क्या है भाज्य है, यानी कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उसमें से कोई ना कोई चीज जो उभयनिष्ठ निकल के आता है वो उसी से विभाजित होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या क्या है 7 × 11 × 13 प्लस क्या है 13, तो आप देखिए दोनों पक्षों में क्या है कॉमन है, दोनों पक्षों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 × 11 यहाँ 13 गया यहाँ 13 गया तो 1 बचा 11, फिर भैया 7 × 11 करोगे 77 प्लस क्या आ गए 1 बराबर 78 आ जाएंगे। तो हम यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ये जो संख्याएं हैं ये जो दी गई संख्या है वो 13 से क्या है भाज्य है, लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, क्या है भैया भाज्य है, किससे भाज्य है 13 से। अब अगली संख्या देख लेते हैं, अगली संख्या क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या है 5, देखिए यहाँ भी 5 यहाँ दोनों में 5 कॉमन है तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ 1 आ गए, क्यों, क्योंकि ये 5 आपका उभयनिष्ठ हो चुका है बाहर हो चुका है। तो आप इनको हल कीजिए तो 7 × 6 = 42 × 4 = 12 × 2 प्लस 1 आ गए, ध्यान से देखिए आप 12 × 2 कितने आ गए 24 आ गए, तो 42 × 24 प्लस 1,
तो ये जो अंदर की संख्या है ये 5 से क्या है, भाज्य है। तथा यहाँ भी लिख सकते हैं अतः दी गई, क्यों भाज्य, क्योंकि 5 उभयनिष्ठ है, यहाँ 13 उभयनिष्ठ है, तो ये 13 से भाज्य है, ये 5 से भाज्य होगा, अतः दी गई संख्या भाज्य है। क्या है भैया, भाज्य है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है आप लोगों का 7वां नंबर, ठीक, अंतिम सवाल है, क्या है 7वां प्रश्न, क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं। तो 7वां सवाल है भैया, सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट है, कितना है भैया, 18 मिनट है। और जो रवि भाई हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो रवि को एक चक्कर लगाने में, तो रवि के द्वारा लिया गया समय, तो रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है भैया, 12 मिनट, कितना है, 12 मिनट है। तो बोल रहे हैं कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोनिया और रवि हैं वो दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद या कितने समय बाद वो दोनों पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का लसप लेने पर, दोनों संख्याओं का लस यानी एलसीएम निकालने पर या एलसीएम लेने पर, तो 18 और 12, 18 का एलसीएम क्या, इनको लिखेंगे 2 × 3 × 2, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 18, और 12 को क्या लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12। हमने बताया था कि एलसीएम वो होते हैं जो दोनों में कॉमन हो वो भी लिखे जाते हैं, जो दोनों में ना हो वो भी लिखे जाते हैं। देखिए दोनों हैं तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 18 और 12 का, तो ये बराबर 2 हो जाएगा, और ये 3 है, 1 3 हो गए, और साथ में 3 और इंटू 2, तो भैया क्या हो गया, 3 × 9 = 18 × 36, यानी 36 मिनट में पुनः वो प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। इस प्रकार ये आपका प्रश्नावली जो है समाप्त हो जाता है। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।